मंडल आयुक्त जयंत नार्लिकर ने जिलाधिकारी के विजन पांड्यन एवं अन्य अधिकारियों व केयर इंडिया टीम के सदस्यों के साथ मंगलवार को गुरु श्री गोरक्षनाथ आयुर्वेद विश्वविद्यालय एवं एम्स परिसर में बोइंग कंपनी के सहयोग से बन रहे 200 बेड के कोविड अस्पताल का निरीक्षण किया तथा वहां के कार्य की प्रगति एवं मानव संसाधन उपलब्धता सहित अन्य बिंदुओं की समीक्षा की। इस दौरान बैठक में मंडलायुक्त ने कार्यों की प्रगति की जानकारी प्राप्त की। इस मौके पर मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने कहा कि गुरु गोरक्षनाथ विश्वविद्यालय और एम्स में बोइंग कंपनी के सहयोग से बन रहे 200 बेड कोविड फैसिलिटी के निर्माण कार्य को पूरा कर लिया गया है। साथ ही आवश्यक लॉजिस्टिक एवं मानव संसाधन की व्यवस्था करते हुए इस फैसिलिटी को प्रारंभ करने हेतु समस्त तैयारियां अति शीघ्र पूर्ण कर ली जाए। जल्द ही कोविड अस्पताल जनता की सेवा के लिए उपलब्ध होगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने कहा, कुछ हो गया होगा। रेट तो बेड कितने लग गया? रेट तो लग गया पहले लगे थे, कल कुछ है तैयारियाँ यहाँ पर गुरु गोरक्षनाथ जो कोविड फैसिलिटी यहाँ पर जो 200 बेड की है उसकी सारी तैयारियाँ हो चुकी हैं। थोड़ा बरसात की वजह से जो हमारा LMO लगना है उसमें थोड़ा सा विलंब हुआ है, बाकी प्लांट आपने देखा है लग चुका है, सारे कार्य हो चुके हैं और हम इसको किसी भी वक्त इसको लोकार्पित कर किया जाए। स्टाफ की स्थिति क्या, स्टाफ जो रहेंगे, स्टाफ रहेंगे सब जो? देखिए इसमें केयर इंडिया ने भी मदद की है, गुरु गोरक्षनाथ हॉस्पिटल ने भी मदद की है, बाकी हमने लोकल सहयोग भी लिया है और हमारे पास पर्याप्त संख्या में स्टाफ मौजूद है, चाहे वो डॉक्टर हों, टेक्नीशियन हों, वार्ड बॉय हों, सभी हैं।